श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रयास करा करो, अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, सात बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आदिशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है, शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जा। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है, जम के बोलिए, शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग चार या पांच सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज्यादा नहीं पड़ती। सोमवार अष्टमी शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें माँ जगत जननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती है जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं, तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं, और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती हैं। लक्ष्मियों को, लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगतजननी आदिशक्ति को देती हैं। आदिशक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती हैं। शंकर भगवान की कथा कहती है, सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आदिशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से सात बेलपत्र शिव को समर्पित कर कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको तो एक महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं होता सोमवार के अष्टमी के दिन, सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर सात हल्दी की बिंदी रख दी जाए, लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए, और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर पांच लगा दिए जाए, महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है मां, सहज नहीं है सोमवार की अष्टमी, शिव और आदिशक्ति का मिलन है सोमवार की अष्टमी, भगवान शंकर और पार्वती का मिलन। ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते, बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना तो पूर्ण करना, पूर्ण भरोसा मतलब छोड़ दिया छोड़ दिया, पूर्ण भरोसा मतलब शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता, फूटता है क्या, नहीं, क्योंकि पूर्ण समर्पित होता। शिव जी को आधा चावल का दाना भी नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ाई है। शिव जी को आधा फल नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ता है। श्रीफल भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा, शंकर भगवान के पास में आधे का कोई काम नहीं है, उनको पूर्ण समर्पण चाहिए। आपका पूर्ण समर्पण अगर आप दोगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा।